बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग। में कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हमेशा अखलाक की कमाने खाने की तौफीक अता करे, हमारे रिस्क में पैसे में बरकत दे। तो जनाब, आप देख रहे हैं जैसे आज मैंने खीर बनाई है, ठीक है, और मैं तो इसको गोल्डन खीर कहती हूँ क्योंकि इसमें मैं गोल्डन सिरप डाल के बनाती हूँ खीर। तो डेफिनेटली उसका कलर वगैरह सब चेंज हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ये देगी स्टाइल है, बल्कि अगर आप बाज़ार में भी देखें तो आपको इसी तरह की मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या क्या डल रहा है और कैसे बन रही है। बहुत झटपट तैयार होने वाली खीर है ये, और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने 1 कप जो है चावल लिए थे, टोटा चावल है, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और पानी में भिगा दिया था। आज जैसा कि आपको पता चल रहा है ये 2 घंटे हो गए हैं भीगते हुए, और मेरे पास 2 लीटर जो है वो दूध है, ठीक है। इसमें से मैंने 1 लीटर की जो शॉपर थी वो उसमें डाल दी है पतीली में, वो मैं आपको वहीं दिखा देती हूँ। और 1 लीटर ये रखा हुआ है, इसको भी बस अभी साथ ही हम डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास 2 ब्रेड स्लाइस थे, जो मीडियम ब्रेड आती है उसके स्लाइसेस थे ये 2, जिनको मैंने रफली तोड़ लिया है। अच्छा, वो मेरे पास जो है ये ड्राई मिल्क है, ठीक है, और ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, जो टेबल स्पून नज़र आ रहा है इसलिए मैंने रखा है, ये वाला भर के मैंने लिया। इसके अलावा मेरे पास 6 छोटी इलायचियाँ हैं, और ये मेरे पास बादाम पिस्ते हैं थोड़े से जो इसके अंदर जाएंगे, और 1 कप ही मैंने ना चीनी ली है, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से जो है हमने 2 टेबल स्पून जो है चावल निकाल के इसमें डाल देने हैं ब्रेड में, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी दूध, जो गर्म हो रहा है ना, मैंने इसलिए पहले से रख दिया था, वो मैं फिर आपको बताऊंगी कि उसका मैंने क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा ना इसमें एक चीज़ और जाएगी जिसे हम कहते हैं केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस, आप जो दोनों में से जो भी डालना चाहें आपकी मर्जी है। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है ना, उसके बगैर भी वो बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है ना खीर फिरनी में अच्छा लगता है, तो मैं डालूंगी ना। वैसे ये मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग भी पसंद करते हैं, तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, वो आप समझ लीजिए। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है, ये देखिए, ये मैं चम्मच, अच्छा चम्मच अगर आप दूध में डाल देंगे दूध का उबाल जो है वो बाहर नहीं आता। इधर से भी आपको देखने में लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि दूध थोड़ा उबाल आया है, लेकिन फिर दूध ठह गया है, ठीक है। अब इसमें जो है मैं चावल डाल दूँगी, इसकी हीट, ताकि जो है ये जो है पक जाएं, ये पक जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे और क्या करना है। अभी ज़रा मैं इनको थोड़ी सी देर के लिए इनको कवर अप कर दिया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अब ये जो मैंने स्लाइसेस और चावल लिए हुए थे उसको मैं डाल रही हूँ इसमें, ठीक है, और इसको जो है मैं ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने लिया हुआ था जो दूध मिल्क पाउडर है, मैं ये भी इसमें डाल दे रही हूँ, ठीक है, और 2 इलायची भी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। अब मैं इसको पीस वो सॉरी क्या कहते हैं ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। जी, आप इसकी लुक देख लीजिए, ये देखिए ये पक पक के जो है ना चावल, देखिए इस तरह से फूल गए, कैसे आ गया, ये टूटा चावल था लेकिन लग रहा है ऐसा कि जैसे सादे चावल हो। इसको हमने इसी तरह से बस जो है पकाना था। अब जो हमने वो ग्राइंड की हैं चीज़ें वो सारी इसमें डाल देंगे। और अच्छा, मैंने इसमें ना 2 इलायचियाँ भी कूट के डाल दी हैं, और चीनी को हमने कैरामलाइज होने के लिए रख दिया है, वो जो हमें इसको ग्राइंड करना था वो मैंने कर लिया है, देखें वो मैंने डाल दिया है। बस अब इसको हमें इतना पकाना है कि ये जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए बस, फिर बस इसमें हम जो है गोल्डन सिरप डालेंगे और हमारी खीर जो है ये रहेगी। चीनी मैंने डाल के इसमें रख दी, इसको पहले मैंने हल्का सा ग्रीस किया, उसके बाद जो है मैंने इसमें चीनी डाल दी है।
अब इसको हम अभी तक अभी चलाएंगे नहीं, जब ये ज़रा बिल्कुल, और हीट आपने बिल्कुल इसकी धीमी सी रखनी है, ठीक है। जैसे ही ये जो है इसके दाने, देखें अभी ये थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहे होंगे, ऐसे बिल्कुल लग रहा है शबनम के कतरे, तो ये जो है पिघलना शुरू हुई है, लेकिन जैसे लाइट गोल्डन सी होगी फिर हम इसको हल्का सा जो है ना टच करेंगे, राइट है ना। ये है इसका गोल्डन सा सीरप, ठीक है। बहुत ज्यादा रफानी आप डालेंगे ना तो उससे ये होगा कि फिर ये जो है ना सारी तरफ चीजें जाके जो है ना ये खराब करेगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए तो ये हल्दी होता जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से पानी में हल होता है तो फिर हम इसको उसमें डालते हैं, ठीक है। अच्छा, हीट आपको बिल्कुल हीट जो है ना स्लो ही रखनी है, आपने तेज नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखिए ये बिल्कुल तकरीबन हो गया सारा, सही है। ये इतना सा जो रह गया इसको अब हम जब खीर में डालेंगे तो ये जो है ना जब तक चलाएंगे उसको तो ये उसमें जो है अच्छी तरह से हल हो जाएगा, ठीक है। ये शेप आई है इसकी, गोल्डन सा सीरा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। पक रही है अब, बस इसमें मैं ये वाला गोल्डन सीरा डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो है थोड़ी सी इसमें ना पत्ते में सब निकल जाएंगे, ये देखिए घी का कलर भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए इसकी अभी फाइनल लुक, ठीक है। बस ये इतनी ही इसकी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ये हो गई है। अब इसमें अपने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो है क्योड़ा वाटर है जो कि टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। टी स्पून है इसमें क्योड़ा वाटर डालेंगे, देखिए। और मैंने कुछ भी नहीं करना, बस इसको जो है ना हल्का सा चला के, और मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर अप करूँगी। चलिए जी, 2 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको हम जो है ना ओपन करके देखते हैं। बस ये देखिए पकना शुरू हो गई, बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको कहा था वो जो हमने इलायची कूटी हुई थी वो हम इसमें डाल रहे हैं, बस ये हमने देखिए डाल दी, और उसके बाद इसको हमने कवर अप किया और हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। बस अब ये बिल्कुल रेडी है, अब मैं डिश आउट करके और उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। चलें जी, अब ये देखिए इसकी फाइनल लुक आ गई है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे देख से अभी अभी निकली हो ना, बिल्कुल बाजार का स्टाइल इसका लग रहा है। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, सिर्फ कलर ही खूबसूरत नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ज़रूर, बनाने में भी और खाने में भी। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है। आपके मेहमान भी यकीनन आपको दादी वगैरह नहीं रहेंगे। तो जनाब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए, और मुझे अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में आगाह भी किया कीजिए। इसके अलावा अगर आप उसे कुछ और बनवाना चाहते हैं मेरे या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर जितनी जल्द मुमकिन हो सके बनाऊँगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छे से कॉन्टेंट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।